सोमवार को रायबरेली की बचरावा पुलिस ने थाना क्षेत्र में 24 जून को बैंक कर्मी से हुई लाखों की लूट का खुलासा करते हुए चार लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूटे हुए 77,400 रुपए व लूट के पैसों से खरीदा गया एक मोबाइल व वारदात में इस्तेमाल बाइक व एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए। बताते चलें कि 24 जून को एक बाइक पर सवार होकर करण पारो अभय जिले के बचरावा थाना क्षेत्र के नीम टीकर गांव के पास एक प्राइवेट बैंक के कर्मचारी से 1,10,000 रुपयों से भरा बैग व उसका मोबाइल लूट लिया और मौके से फरार हो गए। आगे आने पर उन्हें विनीत मिला और चारों ने लूट के रुपयों को आपस में बांट लिया और खर्च करने लगे। मामले की तहकीकात में जुटी बचरावा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि लूट को अंजाम देने वाले लुटेरे लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाईपास पर मौजूद। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने चारों तरफ से चारों को हिरासत में ले लिया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने लूट की घटना को स्वीकार कर लिया और लूटे गए रुपयों में से 77,400 रुपए बरामदगी कराई। साथ ही पुलिस ने उनके पास से एक बाइक, एक अवैध तमंचा व लूट के पैसों से खरीदा गया एक मोबाइल भी बरामद किया। यूपी के रायबरेली से राजकुमार की रिपोर्ट। ये पिछली 24 तारीख को थाना क्षेत्र बछरावा में बंधन बैंक के कर्मचारी जो कि कलेक्शन करके लौट रहे थे, उनके साथ तीन मोटरसाइकिल सवार लोगों ने उनका बैग छीन लिया था जिसमें 1,10,000 रुपये थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना बछरावा और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो घटना कारित करने वाले तीन लड़के थे और एक योजना करता था, उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि जिनसे कलेक्शन किया जाता था उन्हीं के एक रिश्तेदार है जिसको ये सारी बात मालूम थी कि ऐसे ऐसे कलेक्शन किया जाता है, और उसी के आधार पे उसने तीन लड़कों को जोड़ा और वो लोग इस घटना को कारित किए। इस घटना में प्रयोग किया गया मोटरसाइकिल और लूटी गई संपत्ति में से 77,500 और उस संपत्ति से खरीदा गया एक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ अन्य जो दस्तावेज़ उस बैग में थे, जैसे बैंक का पासबुक इत्यादि और बैंक के ओर से इशू किया गया एक टैबलेट और वादी का मोबाइल फ़ोन, इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कहाँ रहने वाले हैं उनके आपराधिक इतिहास? ये जो तीन लड़के जो कि लूट में शामिल थे, ये जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। अभी तक इनका आपराधिक इतिहास हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो कि जनपद रायबरेली के बछरावा का रहने वाला था, जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास है, वो लूट के मुकदमे में पहले जेल जा चुका है।